इस तरह के टॉपिक आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण रहते ही हैं। वैसे भी आपको सामान्य जानकारी के लिए भी मालूम होना चाहिए। आप देखते हैं कि जब भी अयोध्या मामला हो या फिर कहीं और भी होता है तो इस तरह के टॉपिक आपका चर्चा में आ जाता है और इन्हीं से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप लोगों को बड़े अच्छे से याद रख लेना चाहिए जो भी इसके संबंध में आपके पॉइंट हैं। उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 हाल ही में क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि हाल ही में काशी विश्वनाथ और मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिरों से संबंधित मामलों को कानूनी लड़ाई में लाए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के क्रियान्वयन की मांग की है। अभी आपने देखा है अयोध्या में जैसे ही फैसला आया राम मंदिर का, तो आपने देखा है अब मथुरा और विश्वनाथ का, काशी विश्वनाथ का भी मामला उठने लगा है। आखिर क्या है ये उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 जो चर्चा में बन चुका है? उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 को संसद द्वारा उपासना स्थलों के जबरन परिवर्तन पर रोक लगाने के उद्देश्य से पारित किया गया था। एक तरह से कहने का मतलब है कि आप समझिए कि मान लीजिए आज किसी आप कोई धार्मिक स्थल है, उसे किसी और धर्म के लोग उसे जबरन किसी और धर्म में परिवर्तन कर देते हैं, या आने वाले समय में आप देखेंगे कभी कोई और किसी धर्म में परिवर्तन करवा देता है। आपने देखा है ये वैसे तो चला आ रहा है 1900, आप देखिए 1947 से लागू होता है, लेकिन 1947 पहले देखिए आप लोग मध्यकालीन भारत में जाइए, उस समय भी कई मंदिरों को तोड़कर आपका मस्जिदों में बदल दिया गया है। उस समय के मुस्लिम शासक आप देखते थे, और उसके बाद आज देखते हैं कई जगह आप लोग देखते रहते, हमारे ही देश में नहीं कई अन्य देशों में भी आप लोग इस तरह के प्रावधान देखते रहते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने और उसके साथ ही कई मस्जिदों जहां कथित रूप से पहले मंदिर हुआ करते थे को परिवर्तित करने की मांग को लेकर बढ़ रहे सांप्रदायिक उन्माद को शांत करने के लिए तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट या फिर उपासना स्थल अधिनियम पारित किया गया था। याद रखिए उस समय के लोगों के द्वारा कुछ भी किया गया हो, किसी मंदिर को तोड़ करके किसी मस्जिद में कन्वर्ट किया गया हो, कुछ भी किया गया हो, लेकिन अब हम लोग आजाद हैं, हम एक हैं। इसलिए देखिए सबका यही उद्देश्य रहता है कि शांति बनाई रखी जा सके। अब जो इतिहास में हुआ उसे हम लोग सुधार तो नहीं सकते हैं, आपने देखा वहां जाकर हम लोग कुछ नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसीलिए आपने देखा है कि अयोध्या मामले में आपने देखा है जबरदस्ती कहीं नहीं हुई है। आपने देखा है एक कोर्ट ने एक मतलब उनका भी मुस्लिमों का भी एक तरह से ख्याल रखा है और 5 एकड़ यानी कि भूमि दे दी गई उन्हें, समझ रहे हैं आप लोग? तो एक तरह से सबको साथ लेने का काम किया है। उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है इसमें, उनकी बात करें तो वर्तमान में इस कानून में केवल 7 धाराएं जबकि मूल रूप से 8 धाराएं थी। एक धारा को 2001 में 8 जो धारा थी 8वीं, मतलब 7 हैं, पहले जब मूल रूप में बनाया गया उस समय 8 थी, लेकिन धारा 8 को 2001 में एक संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया। इस अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार यह एक ऐसा अधिनियम है जो धार्मिक स्थलों के परिवर्तन को निषिद्ध करते हुए धार्मिक स्थलों को 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति के अनुरूप उनको उसी रूप में संरक्षित करता है। दूसरे शब्दों में यह अधिनियम देश के सभी धार्मिक स्थल उसी रूप में संरक्षित करने का प्रावधान करता है जैसा कि 15 अगस्त 1947 को थे। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, 1947 में जो स्थिति थी उसी को एक तरह से स्थिति में रखना चाहता है। धार्मिक स्थल आखिर किसे कहते हैं आप लोग? आपके दिमाग में वैसे भी ये क्वेश्चन आता रहता है कि धार्मिक स्थल है क्या। अधिनियम की धारा 2 गा के अनुसार धार्मिक स्थल का अर्थ है कि एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मठ अथवा अन्य कोई भी जन धार्मिक स्थल जो किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो या जो किसी भी नाम से जाना जाता हो उसे आप लोग धार्मिक स्थल कह देते हैं। धार्मिक स्थल के परिवर्तन की बात करें तो अधिनियम की धारा 3 ही धार्मिक स्थलों के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाती है। कौन सी? अधिनियम की धारा 3 ये धार्मिक स्थलों के परिवर्तन पर क्या लगाती है? रोक लगाती है। इस धारा में परिवर्तन का अर्थ बहुत व्यापक माना गया है। किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन 2 तरह से किया जा सकता है जिसे अधिनियम रोकता है। यदि किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन किसी अन्य धर्म स्थल के रूप में हो, यानी कि कहने का मतलब है कि एक किसी धर्म का स्थल है उसे किसी अन्य धर्म में बदलने की बात हो, यदि किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन उसी धर्म के अन्य धर्म अन्य पंथ के द्वारा ही हो,
तब भी यह अधिनियम लागू होगा। इसका सीधा सा कहने का मतलब है कि आप समझते हैं कि एक धर्म में भी कई पंथ होते हैं, कई समूहों में बंटा रहता है, तो उसे भी अन्य समूह में ले जाने में या बदलने की बात की जाए तो उस पर भी ये लागू होता है, यानी कि उस पर भी प्रतिबंध लगाता है। धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद की बात करें हम लोग, तो अधिनियम की धारा 4 के अनुसार देश के सभी धार्मिक स्थल उसी रूप में रहेंगे जैसा कि 15 अगस्त 1947 को थे। अधिनियम की धारा 4 में यह निर्दिष्ट है कि किसी भी धार्मिक स्थल से संबंधित यदि कोई भी विवाद, अपील या अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, तो इस अधिनियम के पारित होने के साथ ही ऐसे सभी वाद, अपील, अन्य विधिक कार्रवाइयों को निरस्त मान लिया जाएगा। ठीक है, अतः धारा 4 के उपबंध धार्मिक स्थलों के परिवर्तन को चुनौती से संबंधित वादों पर विराम लगाते हैं। लेकिन यदि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन किया जाता है जैसा कि अधिनियम में वर्जित है, तो ऐसे परिवर्तन को चुनौती भी दी जा सकती है। इस अधिनियम के कुछ अपवाद भी हैं। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार यह अधिनियम अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होगा, ना ही उससे संबंधित किसी भी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा। एक बात और याद रखिए, ये जन्मभूमि जो राम मंदिर का मामला था, ये आजादी से बहुत पहले से चला आ रहा था, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, किसी भी कंडीशन में से रोका नहीं जा सकता था, इसलिए इसे अपवाद में रखा गया है, इस धारा से बाहर रखा गया। इसी कारण राम जन्मभूमि विवाद से संबंधित वाद, उसकी उच्चतम न्यायालय में अपील और पुनर्विचार याचिकाएं सभी वैध मान गई हैं। इसमें अगर आपका इस तरह का कोई प्रावधान करता है, यानी कि परिवर्तन करता है, तो उस पर दंड भी क्या होगा, उसे भी जान लीजिए। अधिनियम की धारा 6 में धारा अधिनियम के 3 के उल्लंघन को दंडनीय बनाया गया है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन करता है तो उसे 3 वर्ष तक कारावास भुगतान पड़ सकता है। समझने का इसका सीधा कहने का मतलब है कि इसके तहत अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उसे 3 साल का कारावास हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा, आर्थिक जुर्माना भी लग सकता है। धारा 6 के अंतर्गत आपराधिक प्रयास और दुष्प्रेषण को भी दंडनीय बनाया गया है। तो ये कहानी थी पूरी आपकी एक तरह से उपासना स्थल विशिष्ट प्रावधान अधिनियम 1991 के बारे में। यही पॉइंट इससे महत्वपूर्ण है और इन्हीं को याद रखना है, क्योंकि जब भी चर्चा में रहते हैं तो उस साल क्वेश्चन पेपर बनने की पूरी संभावना रहती है। इससे ही तो आप लोग करेंट अफेयर्स कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि उपासना स्थल विशिष्ट प्रावधान अधिनियम हाल ही में चर्चा में था, किस कारण चर्चा में था, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, 4-5 कथन दे देगा आपको, आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है,